हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का आखिर ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर काफी ज्यादा यूनिक है और हिस्टोरिक है, और बहुत अगर सालों बाद अगर देखा जाए तो एक हिस्टोरिक फिल्म रिलीज हो रही है, एपिक फिल्म। इससे पहले भी मुझे ज्यादा याद नहीं कि कोई फिल्म रिलीज हुई हो और ऊपर से हिट हुई हो। अगर लास्ट चीजें हम याद रखते तो हमें याद आता जोधा अकबर। जोधा अकबर भी आपको पता है आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट की थी, वो भी ऋतिक रोशन के साथ था, और इस बार भी ऋतिक रोशन के साथ ही वो डायरेक्ट कर रहे हैं। जोधा अकबर काफी अच्छी चली थी। इसके अलावा भी आशुतोष गोवारिकर ने इसके पहले भी लगान फिल्म बनाई थी जो कि काफी अच्छी चली थी। तो इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि मोहनजोदड़ो फिल्म काफी अच्छी चलेगी। बट जिस हिसाब से ट्रेलर मैंने देखा है, ट्रेलर मुझे थोड़ा लैक लगा, ट्रेलर में थोड़ी कमी जोर लगी ट्रेलर में। ओवरऑल जैसे फिनिशी जो बोलते हैं ना आजकल, फिनिश नहीं दिया गया, प्रॉपर एडिटिंग नहीं दिया गया, तो स्मूथनेस कम लगी ट्रेलर में। बट अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी 2016 बीसी में जहाँ जब मोहनजोदड़ो का साम्राज्य था तब के ऊपर डिपेंड है। 2016 बीसी, ओके, नॉट एडी अभी का। तो मोहनजोदड़ो के टाइम की बात है ये, जहाँ पे शर्मन नाम जो है इसमें करेक्टर का रोल प्ले किया है ऋतिक रोशन ने। शर्मन एक इंडिगो प्लेयर है, नील की खेती करता था। उसे पता नहीं क्यों एक आभास होता है कि मुझे जाना चाहिए मोहनजोदड़ो, वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका मिसिंग है, वो उसे चाहिए। उसके लिए उसे एक ख्याल आता था। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मोहनजोदड़ो जाता है। उसके बाद ऋतिक रोशन जो कि शर्मन का रोल प्ले कर रहा है, उसे एक प्रीस्ट की लड़की दिखती है, चानी नाम है उसका, चानी। तो चानी से उसको मोहब्बत हो जाती है, और चानी का भी अपना एक खुद का राज है। चानी जो पूजा हेगड़े रोल प्ले कर रही चानी का, आपको बता दो पूजा हेगड़े का ये पहली हिंदी फिल्म है जो 2016 में उन्होंने तेलुगु फिल्म से डेब्यूट किया था इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में। पर ये बहुत बड़ी फिल्म है उनके लाइफ की 2016 में जो अभी आ रही है मोहनजोदड़ो। तो पूजा हेगड़े चानी के रोल में मुझे काफी एक फ्रेश फेस लगा उनका। कुछ ज्यादा एक केमिस्ट्री बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही दोनों के बीच में, बट कहीं ना कहीं फर्स्ट फिल्म है हिंदी की तो काफी ज्यादा नर्वस होगी वो। तो इसमें दो जो रोल है, चानी और शर्मन का रोल तो मैंने आपको बता दिया। इसमें जो मेन रोल जो मुझे लगा वो है महम का। महम करके एक राजा है जो ग्रीडी है, लोभी राजा है, वो रोल प्ले कर रहे कौन पता है आपको? कबीर बेदी। कबीर बेदी बहुत बढ़िया सूट हो रहे हैं उस रोल में, और आप देखोगे उनके सर पे मुकुट है जिसमें एक सींग दो दो निकली हुई है, तो एक अलग सा एक उनका एक लुक है। बट लेकिन इसमें आप डायलॉग्स देखोगे और डायलॉग्स कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा अलग है, काफी आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। मैंने एक चीज नोटिस की, कैमरा एंगल काफी अच्छा है। सीन जो उतने मुझे पता नहीं क्यों सही नहीं लगे, मतलब इतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं लगी सीन में, बट जो कैमरा एंगल्स है वो काफी अच्छे हैं इस फिल्म के। और इस फिल्म के लेकर और एक बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को जो है डायरेक्ट किया है आपको पता है आशुतोष गोवारिकर ने, प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ रॉय कपूर ने, यूट्यूब के जो हेड हैं। तो इस फिल्म को लेके काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों में। और एक और चीज आपको बता दूँ, ट्विटर पे मैंने अभी लेटेस्ट देखा तो ट्विटर पे काफी ज्यादा जोक्स बन रहे हैं और इस फिल्म को लेकर। आई थिंक मे बी लोगों को ज्यादा अच्छा ट्रेलर लगा नहीं है, मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा फीका लगा ट्रेलर। अब देखने वाली बात होगी ये जो फिल्म रिलीज हो रही है 12 अगस्त को, क्या कमाल दिखाती है सिनेमाघरों में। फिलहाल इस फिल्म के गाने वगैरह कुछ आए नहीं है। जब तक गाने नहीं आते, जब तक नया कुछ शायद ट्रेलर या कुछ चीजें नहीं समझ में आती, तब तक हमें ज्यादा बात करना इसके बारे में सही नहीं रहेगा, एक अंदाजा लगाना सही नहीं रहेगा। तो जैसे ही आगे कुछ पता चलता है इस फिल्म के बारे में, कुछ नई बातें पता चलती तो आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।